नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान तेजी से फैलते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बीते सप्ताह ही 18 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगाने की छूट दे दी है। इसके लिए कई सरकारी ऐप और पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देश में अभी स्वास्थ्यकर्मियों, 45 साल से अधिक आयु के आम लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही कोरोना वायरस की वैक्सीन देने की अनुमति है। इसके लिए सरकार की ओर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए COWIN कोविन पोर्टल का या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पहले जानते हैं कि कोविन पर रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। इसके लिए आपको www.cowin.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ओटीपी डालने के बाद वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। जब रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन पेज खुल जाएगा तो आपको अपनी निजी जानकारियां भरनी होंगी, जो आपके फ़ोटो आईडी प्रूफ से मैच करती हो। इसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR, स्मार्ट कार्ड, वोटर आईडी या आधार कार्ड दे सकते हैं। इसके बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। एक बार रजिस्टर होने के बाद आपका अकाउंट पेज, जहां आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके अपने लिए वैक्सीन की अपॉइंटमेंट तय कर सकते हैं। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप पर भी कराया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप पर लॉगिन करने के बाद वैक्सीनेशन टैब दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी स्क्रीन पर निर्देश आते जाएंगे, आपको बस उनका पालन करते जाना है। यहाँ पर भी आपको मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है और OTP से कंफर्म करके अपनी जानकारियाँ भरनी हैं। इसके अलावा सरकार ने अपने उमंग ऐप पर भी COWIN पोर्टल का लिंक दिया है। इस ऐप COWIN लिंक पर क्लिक करके मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करना है, फिर जो जानकारियाँ मांगी जाए उन्हें भरते जाना है।